नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में पहली खबर आगरमालवा से है, जहां कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका पीआईसी से दिया इस्तीफा। अगली खबर भी आगरमालवा से है, जहां चुनाव परिणाम से पहले मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही अगली खबर सिलवानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवट पिपलिया पहुंचकर भावी जी को दी श्रद्धांजलि। और भी तमाम खबरों पर आइए, करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित अजमेर की अध्यक्षता में नगर के 6 कांग्रेस पार्षदों द्वारा नगर पालिका पीआईसी से इस्तीफा दिया गया। पार्षदों द्वारा बताया गया कि नगर में बढ़ती हुई जल प्रदाय समस्या, नगर में विकास कार्य नहीं होने से, साफ सफाई व्यवस्था न होने पर भेदभाव पूर्वक कार्य किए जाने के चलते परिषद की बैठक में स्वीकृत कार्यों में उदासीन रवैये सहित अन्य समस्याओं को लेकर पार्षद समीउल्लाह कुरेशी, कमल जाटव, पवन कारपेंटर, सरोज मेव, शब्बीर पटेल, गौरी भाटिया द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नगर पालिका पीआईसी की सदस्यता से इस्तीफा सौंपा गया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित अजमेर द्वारा बताया गया कि इस भीषण गर्मी में नगर के कई वार्डों में जल प्रदाय नहीं हो रहा है, जिसके चलते वार्ड वासियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विभिन्न वार्डों के 6 कांग्रेस पार्षदों द्वारा सीएमओ को पीआईसी सदस्यता से इस्तीफा सौंपा गया है। नगर में विकास कार्य में भेदभाव किया जा रहा है हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, और वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है। इस कारणवश आज कांग्रेस के सभी पार्षद जो कि पीआईसी में सदस्य थे, सभी ने अपना इस्तीफा नगर पालिका सीएमओ साहब को दिया है। वार्डों में विकास कार्य नहीं हो रहे थे, बीजेपी के अध्यक्ष द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, जल प्रदाय नहीं हो पा रहा है, भीषण गर्मी में पानी की समस्या है, साफ सफाई नहीं हो पा रही है। इन समस्याओं को देखते हुए नगर हित में हम सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया और इस्तीफा दिया। कांग्रेस के सभी पार्षद इकट्ठे हुए और सबकी समस्या बैठ के सुनी गई है। पार्षद कांग्रेस के और जितने भी पीआईसी के जो सदस्य थे हमारे कांग्रेस के पार्षद, उन्होंने पीआईसी से इस्तीफा दे दिया है। और उसका कारण है, मुख्य कारण ये है कि आगर नगर में जो परिषद और पीआईसी में जो निर्णय पूर्व में लिए गए थे, वो काम अभी तक नहीं हुए। 2-2 साल हो गए हैं, अभी भीषण गर्मी है, जल की समस्या आ रही है, और रोड और जो सफाई अभियान जो चालू किया गया था साल भर पहले, वो पूर्णतः बंद हो चुका है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता आर्ष अहमद कुरेशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर सड़क मार्ग द्वारा नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री का पुष्पहार से स्वागत किया। मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ने मां बगलामुखी मंदिर में गर्भगृह में बैठकर विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ माता के दर्शन पूजन किए और सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के समीप स्थित सांदीपनी आश्रम वो पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी सांदीपेंद्र से आशीर्वाद प्राप्त कर चर्चा की। इस अति मंदिर में विशेष हवन अनुष्ठान भी किया। हवन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत कर भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रथम नगर आगमन पर लोगों के द्वारा जगह जगह स्वागत द्वार बनाकर उनका स्वागत किया गया। आगरमालवा से सीनियर संवाददाता आर्ष अहमद कुरेशी की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां स्कूल के संचालक मिनी राज मोदी, जिन्होंने पूर्व में जिला न्यायालय भोपाल से जमानत निरस्त हुई थी, इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इन पर आरोप है कि 1-8 वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ इन्होंने गलत कार्य किया था, जिसमें थाना मिसरौद में उनके खिलाफ धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि इन्होंने एक अबोध बालिका के साथ अपराध किया था। पूरे मामले में इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट की धाराओं में गंभीर अपराध दर्ज है। इस पूरे मामले में अधिकतम 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। हाई कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। हाई कोर्ट ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस कहीं ना कहीं आरोपी का पक्ष ले रही है और कहीं ना कहीं अपराधी को अप्रत्यक्ष तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस ने घटनाक्रम पर आने वाले कई गेटों की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त नहीं किए और अगर किए तो उपलब्ध नहीं कराए। ज्ञान गंगा स्कूल के जो संचालक थे, उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई हाईकोर्ट।
ज्ञान गंगा स्कूल के संचालक मिनीराज मोदी, जिनकी पूर्व में ज़िला न्यायालय भोपाल से जमानत निरस्त हुई थी, इन पर ये आरोप है कि एक 8 वर्षीय अवयस्क बालिका के साथ इन्होंने गलत कार्य किया, जिस पर थाना मिसरोद में इनके खिलाफ पास्को एक्ट और 376 में अपराध दर्ज हुआ था। चूँकि इन्होंने एक अबोध बालिका के साथ एक दुष्कर्म का कार्य किया था, जो कि पास्को एक्ट की सेक्शन 3, 4, 5, 9, 10 के तहत ये बहुत गंभीर अपराध है और इसमें अधिकतम 20 साल तक की कठोर कारावास का भी प्रावधान है। हमने आज हाईकोर्ट के समक्ष इनकी जमानत याचिका पर आपत्ति पेश की। हमने हाईकोर्ट को बताया कि पुलिस इसमें आरोपी का पक्ष रख रही है और कहीं ना कहीं उसे अप्रत्यक्ष तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसीलिए पुलिस ने घटनास्थल के पास जो आने जाने के कई गेट थे, उन बाकी गेटों के संबंध में कोई CCTV फुटेज प्राप्त नहीं की। पुलिस ने अभी तक बालिका के से शनाख्ती जेल में नहीं कराई आरोपी से, और आरोपी का पुलिस रिमांड भी नहीं मांगा, और इस प्रकार की कई खामियां जो पुलिस द्वारा की गई हैं इस केस में हमने कोर्ट को अवगत कराए। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, बालिका की आयु को देखते हुए इस आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां कटनी नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सम्राट होटल जो अग्रवाल बंदियों के नाम पर बनाई जा रही है, इसको लेकर नगर निगम से 30 साल की लीज पर लिया गया था, जिसकी लीज 2015 में खत्म हो गई। इसके बाद 8 साल से बिना लीज पर परमिशन के संचालक द्वारा होटल चलाया जा रहा है। नगर निगम के राजस्व विभाग के अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि 2015 में सम्राट होटल की लीज खत्म हो गई है, जिसको बढ़ाने के लिए संचालक द्वारा आवेदन दिया गया है, मगर मामला अभी विचाराधीन है, जिसके कारण अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। एक तरफ कटनी रेलवे स्टेशन लाखों रुपए खर्च कर रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ मुख्य रेलवे स्टेशन मार्ग पर बना सम्राट होटल, जिसकी लीज खत्म हुए 8 साल हो गए हैं, जिसके कारण रेलवे की सुंदरता पर दाग दिखाई दे रहा है। कटनी के कई निवासियों का कहना है कि सम्राट होटल के होने से उनका कटनी रेलवे स्टेशन दिखाई नहीं देता, जिसके कारण कितना भी रेलवे स्टेशन विकास कर ले मगर लोगों को कटनी रेलवे स्टेशन की सुंदरता नहीं दिखाई दे रही है। सर, जो स्टेशन चौराहे में सम्राट होटल बनी हुई है, इसकी लीज कितने दिनों तक थी और अभी और कितने दिन तक है? नगर निगम कटनी सीमा अंतर्गत स्टेशन के ठीक सामने होटल सम्राट के नाम पर अग्रवाल बंधुओं को 30 साल वर्ष की लीज पर दुकान है, वो होटल सम्राट दी गई थी। तो सर, अभी इसकी लीज है या ख़त्म हो गई है? 2015 में लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है और लीज अवधि बढ़ाने के लिए उनके द्वारा निवेदन किए जाने पर कई वर्षों से विचार विमर्श शासन और नगर निगम स्तर में किया जा रहा है। वर्तमान में परिषद निर्णय के मुताबिक विधि राय के लिए महाधिवक्ता महोदय के यहाँ फाइल गई हुई है, वहाँ से जानकारी जो भी विधिक राय प्राप्त होगी उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, तो जैसे अभी इनके लीज खत्म हुए तो नगर निगम द्वारा इनसे राजस्व वसूला जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल राजस्व वसूला जा रहा है और जो भी निर्णय होगा, जो भी पैसे की वृद्धि, जो भी आदेश होंगे, पूरा एक एक रुपया पाई पाई वसूल किया जाएगा। सर, आपका शुभ नाम थोड़ा? मैं जागेश्वर पाठक, राजस्व अधिकारी नगर निगम कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर सिलवानी से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक रामपाल सिंह राजपूत के गृह क्षेत्र केवट पिपलिया में पहुंचकर स्वर्गीय भावी जी की 13वीं और गंगा जली पूजन में सम्मिलित हुए। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में परिवार का हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद रमाकांत भार्गव, राव उदय प्रताप सिंह, शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन साची, विधानसभा के विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिलवानी से सीनियर संवाददाता राधेश्याम साहू की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।